बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ एहसन यासीन एंड टुडे माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ द अल्टरनेटिव पाथवेज फॉर द स्लज रीयूज। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ द स्लज। स्लज इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द वाटर क्लीन अप प्रोसेस। द स्लज इज़ मे बी प्रोड्यूस्ड फ्राम द ट्रीटमेंट ऑफ द अर्बन वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और इट ऑल्सो ऑब्टेंड फ्राम द ड्रिंकिंग वाटर। इट इज़ नॉन हैज़र्डियस वेस्ट, सम हाउ इट डिस्पोज इन टू द लैंडफिल, बट इट कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट पर्पजेज विच आर द यूज़ ऑफ स्लज इन एग्रीकल्चर एंड फॉर द रिस्टोरिंग ऑफ द सॉइल्स विच आर क्रोडेड एंड इन द थर्मल प्रोसेस विच आर यूज टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर्स। द स्लज रीयूज ऑप्शन। सीवेज स्लज हैज़ डिफरेंट बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इट इनरिच इट विद द न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट इट एंड इट्स ऑल्सो इम्प्रूव द फिजियोकेमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, एंजाइमेटिक एंड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। द सीवेज स्लज ट्रीटमेंट ऑपरेशंस आर लाइक इट रिप्लेस द पोर्टेबल वाटर और अनवाटेड मिक्स वाटर बाई यूजिंग द वाटर इन एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। इन इरीगेशन इट्स यूज एज अ लैंडस्केप और गोल्फ कोर्सेज एंड इन म्यूनसिपल यूज इट्स यूज फॉर द फायर प्रोटेक्शन, स्ट्रीट क्लीनिंग, कार वाशिंग एट्सेट्रा। एंड नॉन पोर्टेबल डोमेस्टिक यूजेज आर लाइक एयर कंडीशनिंग, लॉन्ड्री, फ्लोर क्लीनिंग एंड इट इज़ यूज फॉर दी आल्सो यूज फॉर द रिक्रिएशन लाइक पॉन्ड्स एट्सेट्रा एंड आल्सो डिस्चार्ज टू द सर्फेस वाटर एंड परकुलेशन टू द ग्राउंड वाटर। इट विल आल्सो रिप्लेस द पोर्टेबल वाटर। द अल्टरनेटिव पाथवेज फॉर स्लज रीयूज आर द फर्स्ट इज द रिसाइकलिंग। मोस्टली इन एग्रीकल्चर द विद और विदाउट द सप्लीमेंट बट आल्सो फॉर द रीइंस्टेटिंग इरोडेड साइट्स लाइक द रोडवेज एक्सिक्यूशंस इट रिप्लेस द लैंडफिल साइट्स इन फॉरेस्ट्री एंड इन द अर्बन लैंडस्केपिंग एप्लीकेशन। द रिसाइकलिंग मीन्स द मेजर एलिमेंट विच मेक द स्लज लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन टू द सॉइल बाई द मेजर बाई द सेवरल जियो केमिकल साइकिल बाई द यूज ऑफ द फर्टिलाइजिंग बाई द यूज ऑफ देयर फर्टिलाइजिंग पोटेंशियल। द नेक्स्ट इज द एलिमिनेशन और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर विद रिसाइकल एनर्जी बाई द यूज ऑफ द थर्मल प्रोसेस लाइक पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन, वेट ऑक्सीडेशन मैथड्स, को इंसाइनरेशन एट्सेट्रा। वी यूज द ऑक्सीडेशन मैथड फॉर टू वी यूज द ऑक्सीडेशन मैथड फॉर द ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ कन्वर्टेड इन टू द स्लज विच कंटेन द डिफरेंट न्यूट्रंट्स विच आर वेरी हेल्पफुल टू ग्रो द क्रॉप्स। नेक्स्ट बायोसॉलिड्स। बायोसॉलिड्स आर द ऑर्गेनिक मैटर विच आर ऑब्टेंड फ्राम द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज स्लज। वैन द बायोसॉलिड्स आर अप्लाइड आर सप्लाइड फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड इट मेक्स द न्यूट्रेंट अवेलेबल टू द सॉइल एंड रिड्यूस द कंटेंट ऑफ द नाइट्रोजन टू द प्लांट अवेलेबल इन प्लांट अवेलेबल कंडीशन। इन एडिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वेस्ट द रेजिड्यूज डज नॉट ओनली डिक्रीज द न्यूट्रेंट कंटेंट टू द हाई बट इट एक्सेप्टेबल लेवल फॉर द प्लांट। इट आल्सो इनहेंसेस इट आल्सो मेक बेटर द परमेबिलिटी ऑफ द एयर विद इन दिस सॉइल। नेक्स्ट इज द लैंड रिक्लेमेशन। द लैंड रिक्लेमेशन द यूज ऑफ सीवेज स्लज इन लैंड रिक्लेमेशन एंड वेजिटेशन मीन्स टू रिस्टोर द लैंड और क्रोडेड लैंड प्रोटेक्ट द क्रोडेड लैंड विद बाय इंक्रीजिंग द वेजिटेशन कवरिंग ऑन द सॉइल बिकॉज द वेजिटेशन कवरिंग और द स्लज लेयर प्रेजेंट ऑन द सॉइल रिकवर द सॉइल फ्रॉम द इरोजन। इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल साइट द टॉप सॉइल इज समहाउ एब्सेंट और इफ इट इज प्रेजेंट इट मे बी डैमेज बाय द स्टोरेज एंड द हैंडलिंग। ड्यू टू इट द हाई ड्यू टू द हाई न्यूट्रेंट कंटेंट द म्यूनसिपल स्लज इज ऑल्सो यूज एज द सॉइल कंडीशनर एंड ऑल्सो एज अ फर्टिलाइजर टू रिसाइकल इट न्यूट्रिएंट्स बाय द सॉइल प्लांट सिस्टम। एंड नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री यूज इन फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर। द म्यूनसिपल स्लज इज नॉट ओनली डज नॉट ओनली इम्प्रूव द फॉरेस्ट फर्टिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट सॉइल बाई इनहेंसिंग द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर
and the available nitrogen and phosphorus. It also promotes the growth and reproduction of the trees, which include the enhancement in the high and in the heights of the plants and also the diameters of the trees. The use of sludge in the environment of the forest may cause an alteration in the ecosystem, because if it is present in the high amount, like create a toxicity in the forest where there is no need of the additional input of the nutrient. It may disturb the biotopes. And the last one is the summary benefits and the constraints of the different uses. The sludge use of the land-based sludge use options are it is used in agriculture, in reclamation, also used in silviculture, uses in forestry, also used in amenity and horticulture. Its benefits are the policy. It contains the more nutrients, contain more organic matter, and it require the less low cost, and is the it is also the low require low technology. It constraints are the voluntary, vulnerable, valuable demand, and the quality of the sludge may also affect the impact of the sludge on the soil, and toxic material also affect and the competition. The sludge use of the fuel-based sludge use options are the incineration, supplementary fuel for the power and processes, and the gasification. Its benefits are it provides the green energy, which is obtained from as a byproduct of the biosolids, and transport costs if it is on site, and the it is also a continuous process. And its constraints are the public perception, planning planning controls, its its heavy cost, and its major constraint is it emits the gases on the earth and the ash disposal. The land-based sludge disposal options are the landfill, which may be mono or co-disposal. Its benefits are it is low, it has low cost, it requires low technology, it we say that fill and forget, and it also enhance the methane recovery. Its constraints are the emission of the gases, leachate, legacy, resource losses, and also have the void losses. So that the water-based sludge disposal options of the surface waters, and its benefits are it has the low cost, it requires the low technology, it has the biological productivity, and also the carbon dioxide fixation. Its constraints are the it has the some different contaminants due to which the soil may be contaminated. It has the toxic nutrients element, which will reduces the growth of the which will reduces the yield of the plant, and is also the and the perception is also the constraints. So thank you.